हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत कांवरिया। आज आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एक्सप्लेन किया ना, ठीक है। और उसकी कुछ चीज़ें, उसकी कुछ टॉपिक्स आपको रिलेट करेंगे सेकेंड चैप्टर से, ठीक है। तो इसलिए आपको वो चैप्टर अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो चैप्टर आपको नहीं आएगा तो आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप उस वीडियो को, मैंने दो पार्ट में बनाया था वो चैप्टर, ठीक है, तो उसको पहले आप वॉच करेंगे केयरफुली, उसके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, देन आप सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, देखा है कि हमारे आस पास बहुत से मैटर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक, उनमें से कुछ क्या होते हैं, प्योर होते हैं और कुछ इम्प्योर होते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, लिखा है कि हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं क्या सब प्योर होते हैं, ठीक है। तो नहीं, कुछ प्योर होते हैं, ठीक, और कुछ प्योर नहीं होते हैं। इसलिए बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं आपको गिवन कर दूँ सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर मैं आपको गिवन कर दूं सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या प्योर होगा क्या या इम्प्योर होगा? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक। अच्छा, यहां पर आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। देखो, तो जो चीज़ें रिलेट होंगी एक दूसरे से वो मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा, जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक। जैसे अच्छा, सॉल्ट सॉल्यूशन आपका कैसा है? प्योर प्योर मटेरियल है, ठीक। यहाँ पर आपका देखो, तो सॉल्ट भी प्योर है और वाटर भी प्योर। आप इसको क्या कर सकते हैं? बाई फिजिकली सेपरेशन मेथड आप इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, बॉईल करेंगे, ठीक है। बॉईल करेंगे तो वाटर क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और आपको बचेगा क्या बॉटम में? आपका क्या बचेगा? ओनली सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है जैसे एयर, आपको पता है आपकी जो एयर है, ठीक है, वो क्या है? गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी गैसें होती हैं? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सब गैसें होती हैं किसमें? आपकी एयर में। एयर क्या है आपका? एयर क्या है आपका? मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। जितने भी आपके एलिमेंट्स उस मिक्सर में प्रेजेंट होंगे वो सब क्या करेंगे? अपनी अपनी प्रॉपर्टी क्या करते होंगे? सो ठीक है, अगर आप एयर लेते हैं तो एयर में आपकी हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, ठीक। तो वो तीनों कोई एक नई प्रॉपर्टी शो ना करके क्या करते हैं? खुद की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है? मिक्सचर होता है। जैसे आपका एलॉय, व्हाट इज एलॉय, ठीक है। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। मेटल का या तो मेटल के साथ मिक्सचर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? एलॉय होगा। या फिर मेटल का किसी नॉन मेटल के साथ मिक्सचर होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा? एलॉय, ठीक। जैसे आप ब्रास, ठीक है, आपका जो ब्रास होता है वो आपका क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? जिंक एंड कॉपर का, ठीक है। किसकी बात की मैंने? ब्रास की, ठीक है। किसका मिक्सचर होता है? जिंक एंड कॉपर का, ठीक है। आप इसको बाई फिजिकली मेथड सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाई फिजिकली मेथड सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट आपका जो ब्रास होगा वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, जिंक की भी और कॉपर की। कोई आपका जो ब्रास होगा वो कोई तीसरी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तीसरी और डिफरेंट नहीं, वो प्रॉपर्टी शो करेगा किसकी? जिंक और कॉपर की, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो आपका जो
मैटर होता है वो आपका एक तो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है और दूसरा मिक्सचर के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन या अभी क्या बनाया था, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, या आप कुछ और भी ले सकते हैं जैसे शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होगा, शुगर एंड वाटर, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब बात आती है कि इसमें से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक। जैसे आपके दोनों मिक्सचर है, एक शुगर सॉल्यूशन है, एक कौन सा है, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। आप क्या करते हैं, वाटर में शुगर मिक्स करते हैं या सॉल्ट मिक्स करते हैं, ठीक है, और उसको स्टिंग करते हैं, तभी वो आपका क्या होता है, चेंज होता है किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इनमें से कौन सा शुगर और वाटर में कौन सा आपका सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट, ठीक। तो बहुत केयरफुली लिसन करना। तो वो सॉल्यूट क्या होते हैं, जो आपके क्या हो, या तो सॉलिड के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर उनकी क्वांटिटी क्या हो, लेस हो। किससे किससे लेस हो, सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट से क्वांटिटी क्या होगी, सॉल्यूट की लेस होगी, ठीक है। अच्छा सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट वो होंगे जो आपके क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है, और जिनकी क्वांटिटी क्या होगी, मैक्सिमम ज़्यादा होगी, ठीक है। और सॉल्यूट किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, जैसे आप सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक, जैसे आपने सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म किया, ठीक है। अच्छा अब इनकी क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक। कंसंट्रेशन कैसे, अच्छा कंसंट्रेशन को और भी बोलते हैं एक वर्ड स्ट्रेंथ, एक वर्ड और यूज किया जाता है किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ, इसका क्या मीन्स होता है, देखो स्ट्रेंथ का मीन्स होता है कि उस सॉल्यूशन में जितना भी आपका सॉल्यूट मिक्स है, ठीक है, डिजॉल्व है, ठीक, वो उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन या फिर स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा कंसंट्रेशन या फिर स्ट्रेंथ को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड करने के लिए थ्री फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे आप एग्जांपल लीजिए मिल्क, ठीक है, एंड सॉफ्ट ड्रिंक का, ठीक है। तो मिल्क और सॉफ्ट ड्रिंक आपके प्योर मैटर है या इम्प्योर, मिल्क और सॉफ्ट ड्रिंक आपके प्योर मैटर है और इम्प्योर, एंड वाय, क्यों, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको बतानी है। देखो मिल्क और सॉफ्ट ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक आपका क्या है, इम्प्योर है, क्योंकि आपका सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होगा, शुगर भी ऐड होगी, ठीक है, कलर्स भी यूज होंगे, ठीक, आपका फ्लेवर्स भी यूज होगा, ठीक। तो आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो किसी वन कंपोनेंट का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन क्या था, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन था या शुगर सॉल्यूशन, उसमें क्या थे, वन टाइप के ही क्या थे, मटेरियल मिक्स था, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या मिक्स था, शुगर, और यहाँ पर क्या मिक्स था, सॉल्ट। बट यहाँ पर आपको मैंने क्या क्या बताया, जैसे आपने क्या मिक्स किया, कलर मिक्स किया, ठीक है, शुगर मिक्स की, ठीक है, फ्लेवर मिक्स किया, ठीक। तो ये आपका कैसा है, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका मिल्क, मिल्क में भी क्या होते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैल्शियम होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, ठीक। तो ये सब भी चीज़ें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं किसमें, आपके वाटर में, तभी तो वो आपका क्या बनता है, मिल्क, ठीक। तो ये दोनों आपके जो सब्सटेंस है ये कैसे हैं, इम्प्योर। इतनी बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं किसकी, कंसंट्रेशन की, कि आप किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट उनमें से क्या है, लिखा है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आप क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ
सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गिवन है कि 320 ग्राम ऑफ वाटर में 40 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व किया गया। ठीक, तो 40 ग्राम क्या है आपका मास ऑफ, क्या है मास ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, और 320 ग्राम क्या है आपका मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इन दोनों में से कौन सा आपका सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट। कॉमन सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट। ठीक है, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, बट यहां पर हमें क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट तो हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, मास ऑफ कॉमन सॉल्ट की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, अब सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 320 ग्राम प्लस मास ऑफ कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम, कितना हो गया टोटल 360 ग्राम। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फॉर्मूले में। अच्छा, पुट करते हैं वैल्यू क्या होगी, 40 अपॉन 360 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 36 कैंसिल, 9 टाइम कितना आएगा, 100 अपॉन 9। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 बन जाए 9, नाइन बन जाए 9, फिर कितना हो जाएगा 1010, तो 11.11%। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, मास बाई मास। ठीक है, इस सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्यूट का परसेंट है वो क्या है, 11.11% है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, ये आपका सपोज कीजिए ये आपका कितना था, 360 ग्राम आपका सॉल्यूशन था। ठीक, अगर आपका सॉल्यूशन आप क्या करें 100 ग्राम करेंगे, तो 100 का भी कितना होगा, 11.11%, मतलब 100 ग्राम में कितना होगा, 11.11 ग्राम आपका क्या होगा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, और बाकी का आपका क्या होगा, वाटर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपके दो फॉर्मूले और हैं, कौन कौन से हैं वो, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 100। अब यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, मास नहीं यूज करेंगे, अब क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब आपको दिया होगा किसमें, ml में, ठीक है, तभी तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ऐसे ही आपका थर्ड फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू, अब परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनटू 100। ठीक है, तो ये आपके दो नेक्स्ट फॉर्मूले। अच्छा, अब बात आती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है?
ठीक है, आपका वो चाहे टू सॉलिड्स का मिक्सचर हो या टू लिक्विड्स का हो, वन सॉलिड वन लिक्विड का हो, ठीक है, कैसे इन मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेपरेशन मेथड बताऊंगा, ठीक है, विद डायग्राम, ठीक है। तो आप जब तक के लिए आप इस वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उनको कमेंट करके पहले उनको क्लियर करेंगे, फिर आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।